विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये जानकारी ये है कि पिछले दो दिन पहले यानी पिछले मंगलवार को 28 या 26 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड नेशंस के USCIRF इस धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुरक्षा हेतु बनी हुई ये जो समिति है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस संस्था ने विश्व की धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने वाली इस विश्व की संस्था ने भारत का रिपोर्ट तैयार किया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि मैं पिछले साल 27 सितंबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस में जब इस देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर भाषण देने वाले थे और भारत की सारी बातों को वहां रखने वाले थे, तो इसकी जानकारी हमारे पास 3 महीने पहले 4 महीने पहले आ गई थी कि वो 22 सितंबर को जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तारीख चेंज करके 27 सितंबर कर दी थी। तो हम लोगों ने पहले से ही 3 महीने पहले से ही श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, और हम मैं यहाँ से भारत से कोऑर्डिनेट कर रहा था, और जिस दिन नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में भारत की ओर से वो भाषण करेंगे उसी दिन हेडक्वार्टर के सामने, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के सामने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों ने वहाँ पर नियोजन कर रखा था। तो हम लोग, मैं यहाँ से भारत से न्यूयॉर्क गया और वहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद यूनाइटेड नेशंस को हम लोगों ने जो मेमोरेंडम तैयार करके गए थे, मैं आभार व्यक्त करूँगा अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूके लंदन के सतपाल ममन जी का और शेखर बोधकर जी का, जिन्होंने हमको ये मेमोरेंडम बना के दिया कि क्या मांगे रखनी चाहिए और किस तरह से अपनी बातों को वहाँ पर रखना चाहिए। तो ये मेमोरेंडम हमने यूनाइटेड नेशंस को दिया, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर गया, प्लेटफॉर्म पे गया, उनके टेबल पे ये मेमोरेंडम गया, और वहीं से मैंने जो आंदोलनकारी हम लोगों ने इकट्ठा किए थे, श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी, दूर दूर से यहाँ से लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे, और जब हम यूनाइटेड नेशंस के गेट के ऊपर हम लोग जब ये आंदोलन कर रहे थे, हाथ में सारे, आप लोगों ने वो वीडियोस भी देखे हैं कि मेरे खुद के सर पे कि मोदी इज अ किलर करके वो पट्टी थी, तो सभी लोगों के हाथों में इस तरह के झंडे थे, क्योंकि उस समय गुरु रविदास सभा, गुरु रविदास जी का जो गुरुघर था वो दिल्ली का गिराया गया था, 100 बच्चों को अरेस्ट कर दिया गया था, वो लोग जेल में थे। तो हम लोग ये सारी मांगों को लेकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भारत में मुसलमानों को जय श्री राम बोलने पर, न बोलने पर उनकी हत्या हो रही थी, उनको पेड़ से लटकाकर मार डाला जा रहा था, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा जा रहा था। तो इस तरह की सारी घटनाएं भारत में घट रही थी, तो यहाँ पे आवाज़ उठाने के बजाय, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने EVM के संदर्भ में एक डिसीजन दिया था कि इसके ऊपर अब हम लोग कोई पिटीशन नहीं लेने वाले, कोई हम लोग किसी की बात नहीं सुनने वाले, तो मुझे पता था कि भारत का जो लोकतंत्र है, जो 4 पिलर्स है, ये RSS ने अपने जेब में कर लिए है, तो यहाँ पर आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन यूनाइटेड नेशंस में हम लोग ये बात रख सकते हैं, और एक वीडियो मेरे YouTube पे आज भी वो वीडियो होगा, 2018 के साल में मैंने बनाया था कि USCIRF ने एक वीडियो रिलीज किया था, और उन्होंने बताया था कि वो भारत में आके धार्मिक अल्पसंख्यकों के परिस्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन भारत की जो एम्बेसी है वो उनको यहाँ पर आने से रोक रही है और उनको वीज़ा नहीं दे रही है। तो ये बात उन्होंने एक बताई थी अपने वीडियो में कि अगर भारत की ओर से कोई लोग वहाँ पर आते हैं, उनके हेडक्वार्टर में आते हैं, तो वो उनका स्वागत करेंगे, और भारत में वो जानना चाहते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरह से अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। तो ये वीडियो मुझे एक जज साहब ने मुझे भेजा कि सर देखो, अगर आप यहाँ पर जा सकते तो आप यहाँ पर जाइए। तो मैंने भी एक वीडियो बना के कहा था कि अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकते तो मैं वहाँ जाऊँगा और भारत की सारी परिस्थिति वहाँ बताऊँगा। और फिर मैं ये 27 सितंबर का जो आंदोलन था, ये आंदोलन करने के बाद
वहीं पर आंदोलन में वॉशिंगटन डीसी से एक साथी आए थे जिनका नाम परमजीत माही जी है। तो परमजीत माही जी को, और मैंने सभी साथियों को कहा कि मैं USCIRF के हेडक्वार्टर पे जाना चाहता हूँ जो वॉशिंगटन डीसी से है। तो हमारी मैडम वहाँ पर थी, चंचल मल मैडम जी, जिनकी वजह से मैं ये सारी न्यूयॉर्क के साथियों से मिल पाया। पिंदर पॉल जी, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप की और 10 साल का वीज़ा मेरा US का लग गया। अब मैं 10 सालों में कभी भी US में आ जा सकता हूँ, न्यूयॉर्क और पूरे US, यूनाइटेड स्टेट्स में, वॉशिंगटन डीसी हो, कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। तो पिंदर पॉल जी का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो जोड़ने के बाद मुझे ये US का वीज़ा लग गया। तो उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, चंचल मिल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके वजह से ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे हासिल हुआ। और फिर परमजीत माही जी ने कहा कि वो खुद वॉशिंगटन DC से है और वो बाय कार आया है। बाय कार 5 घंटे का वो रास्ता था, 5-6 घंटे का रास्ता। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस USCIRF के हेडक्वार्टर पर लेकर जाऊंगा। और फिर 1 अक्टूबर को मुझे हैरिसन एकिंस करके, जो पॉलिसी एनालिस्ट है, जो इंडिया के ऊपर उनको स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी। और फिर 1.5-2 घंटे तक हमारी वहाँ पर चर्चा चली। खुद परमजीत माही जी भी मेरे साथ इस चर्चा में थे और उन्होंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, मैंने भी भारत में क्या क्या हो रहा है, ये सारी बातें वहाँ पर बताई। और सतपाल मोमनशी अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन UK के माध्यम से उन्होंने जो मुझे मेमोरेंडम तैयार करके दिया था वो मैंने वहाँ पर सबमिट किया। और हैरिसन एकिंस जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि आने वाले जो साल में है वो इंडिया के ऊपर ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की है, ये जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भारत के सभी मीडिया ने इस रिपोर्ट का बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है। कोई भी मीडिया ये रिपोर्ट नहीं बताना चाह रहा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। और इसलिए ये रिपोर्ट, ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ने ये कबूल किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, उनको, उनकी हत्याएं हो रही है, जय श्री राम न बोलने पर उन मुसलमानों को मारा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा जा रहा है, ये उन्होंने कबूल किया। और कुछ चर्चेस के ऊपर, क्रिश्चनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, तो ये उन्होंने रिपोर्ट में कबूल किया कि हाँ, कि भारत में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। और भारत को कंट्रीज फॉर पर्टिकुलर कंसर्न CPC यानी विशेष ध्यान देने योग्य देश के सूची में USCIRF ने भारत का समावेश किया है। अब इसके बाद भारत में किसी भी तरह का हेट स्पीच होता है, धार्मिक उत्पीड़न होता है, किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अगर कोई भी अन्याय होता है, कोई भी अत्याचार होता है, किसी सिख को भी अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो USCIRF उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करेगी। और इस तरह का पहला ये कदम उन्होंने उठाया कि भारत को उन्होंने CPC के लिस्ट में समाविष्ट किया है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के यादी में, सूची में भारत का समावेश USCIRF ने किया है। दूसरी बड़ी बात, जितने भी ऑफिशियल्स मोदी सरकार के हैं, जितने भी जो ऑफिसर्स और मंत्री है मोदी सरकार में, उन सभी लोगों को US का वीजा, ये उनको बैन किया गया है, किसी को भी US का वीजा नहीं मिलने वाला। और खुद अभी मोदी भी, जो ट्रंप के इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड बताए जाते हैं, तो खुद अब आने वाले समय में मोदी और अमित शाह के ऊपर भी इस तरह का बैन, इस तरह का जो सैंक्शन है, ये लाने का काम USCIRF ने, ये सेकेंड पॉइंट में बता रहा हूँ कि USCIRF ने ये कदम उठाया कि भारत मोदी सरकार के सभी ऑफिशियल्स को, किसी को भी वीज़ा US का नहीं मिलेगा। और तीसरा कदम उन्होंने उठाया है कि जो फंड वो लाया करते थे, मोदी यहाँ पर लाया करते थे, जो BJP और RSS को फंड देने का काम कर रहे थे, जो डाइवर्ट करके वहाँ पर वो सारा फंड देने का काम कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने, US ने ये इस फंड को रोक दिया है। अब वो BJP को, मोदी को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। इस तरह के 3 ये बड़े फैसले USCIRF ने लिए हैं।
और पूरा पूरा ये जो रिपोर्ट है आप USCIRF के वेबसाइट से पढ़ सकते हो, डिटेल में ये रिपोर्ट लिखा गया है। मैं शंभू जी से और संदीप चोरे जी से नेशनल दस्तक और बहुजन टीवी के लिए मैं उनको कहूँगा कि ये रिपोर्ट पढ़े और जो जानकारी वहाँ पर दी है ये जानकारी अपने चैनल से बताने का काम करें, क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी इन सारी बातों को बताने का काम नहीं करेगी। तो ये बात आप लोग बताइए, और मैं मुस्लिम्स से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो मेरी पहली स्टेप थी USCIRF को जाने की। मेरी सेकेंड स्टेप इस साल के फरवरी से मैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेडक्वार्टर नेदरलैंड में, वहाँ पर मैं जाने वाला था और मेरा उस तरह का वीज़ा भी मेरा आ गया था। मेरी सारी जो कानूनी इमिग्रेशंस का जो सब है वो सारा पूरा हो गया था, मुझे स्पॉन्सरशिप भेज दी थी, मेरा सारा टिकट्स का भी सारा बंदोबस्त हो चुका था, लेकिन कोविड के वजह से कोरोना के वजह से ये सारा मामला ठप हो गया। लेकिन मुस्लिम्स में से MJ अकबर नाम के BJP के जो सदस्य होंगे वो नेदरलैंड में पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक शाखा है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, ये वहां पर जाके उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी मुसलमानों के ऊपर कोई भी तरह का अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। इस तरह का बयान MJ अकबर ने वहां पर दिया है। तो मैं भारत के मुस्लिम से भी विनती करना चाहूंगा कि अपने हक और अधिकार के लिए भी आवाज उठाए, और अगर इस तरह के लोग वहां पर जाके बयान दे रहे हैं तो उनका खंडन करें, और वहां पर बताएं, USCIRF को बताएं, ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशंस की जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो शाखा है नेदरलैंड में जो जिनका हेडक्वार्टर है, उनको बताएं कि किस तरह से भारत के मुसलमानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनको जय श्री राम न बोलने पर उनको मारा जा रहा है। अब हम लोग जामिया मिलिया के बारे में देख रहे हैं, JNU के बच्चों के बारे में देख रहे हैं, किस तरह से दिल्ली पुलिस एट्रोसिटीज कर रही है। तो ये सारा भी उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिया हुआ है, और आने वाले समय में दिल्ली पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, योगी हो, मोदी हो या अमित शाह हो, इनके ऊपर आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से की जाएगी, USCIRF के माध्यम से की जाएगी। खुद USCIRF ने ट्रंप के ऊपर भी वहां पर टिप्पणी की है कि ट्रंप का कर्तव्य था कि वहां के जब वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे तो यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में कहे, लेकिन ट्रंप ने ये बात नहीं की, तो वहां पर जाके उनको उसका सामना करना पड़ा। तो ये सारी बातें USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, ये USCIRF के वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो यही जानकारी देने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बात बताने आया था कि 1-2 साल पहले मैंने इसी तरह से एक वीडियो बना के कहा था कि अगर USCIRF के लोगों को यहाँ पर आने से रोका जाता है तो हम वहाँ पर जाएंगे और सभी तरह की जो उत्पीड़न की घटना हो रही है भारत में उसका जवाब हम लोग वहाँ पर देंगे। तो मैं वहाँ पर गया, 1 अक्टूबर को मैंने वहाँ पर सारा बयान दिया, और आज हमारे सामने उसका रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भारत का मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। खुद यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग इस रिपोर्ट को नहीं मानते, लेकिन USCIRF इस तरह से भारत के अल्पसंख्यकों को बचाने का काम कर रही है। और मैं आने वाले समय में आप सभी लोगों का, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, बुद्धिस्ट हो, सभी अल्पसंख्यक इस देश में है, उनसे एक ये वादा चाहता हूँ कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी अन्याय हो, अत्याचार हो, इस तरह की घटना घटित हो, तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए बने हैं। यहाँ पर अगर हम अपनी आवाज़ रखते हैं, जहाँ पर हमारे खुद 130 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे, तो उस संसद से हम लोगों को कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब कोरोना के इस प्रादुर्भाव से पूरा देश जूझ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को फिर से बनाया जाए, और शेड्यूल कास्ट नई तरीके से कौन कौन शेड्यूल कास्ट की जातियों में आ रहे, तो इस तरह का काम कोरोना के पीछे, कोरोना के आड़ में ये किया जा रहा है, संविधान को नष्ट करने का काम कोरोना के आड़ में भारत में हो रहा है। अभी आज सुबह एक खबर आई है कि महाराष्ट्र के मुंबई में IFSC का जो ऑफिस हुआ करता था, जो सारा कैपिटल यहाँ पर हुआ करता था, वो गांधी धाम में शिफ्ट किया जा रहा है,
और सभी आर्थिक व्यवहार अब गुजरात में होंगे और पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अब गांधीधाम से चलाई जाएगी। तो पूरा देश ये किस तरह से ख़त्म करने का काम बीजेपी और ये लोग कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे हालातों में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, संसद हमारी बात नहीं कर रही, राष्ट्रपति धक्के खा रहे हैं, तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है वो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का ये प्लेटफॉर्म और USCIRF जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ काम करता है, ये प्लेटफॉर्म पे हमको हमारी आवाज़ वहाँ पर बुलंद करनी है और इसी आंदोलन में आप लोग साथ देंगे ये आशा और विश्वास मैं आप लोगों के ऊपर रखता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, आप सभी लोगों का आभार और विशेष आभार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।